हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम अपना रूट और रॉक बोनसाई जो हमने तैयार किया था उसका अपडेट हम दिखा रहे हैं। कमेंट्स आया था कि इसका अपडेट जरूर दिखाइएगा करके, तो आज हम अपना ये पीपल बोनसाई का जो रूट और रॉक बनाए थे बोनसाई, उसका हम अपडेट दिखाएंगे। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे कि जो प्रून किए थे उसमें कितने इसमें लीफ आ चुके हैं। आज फिर से हम इसको प्रून करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस यही होगा। और हल्का सा ये जो पॉलीथीन हम इसमें बांधे थे उसको हल्का सा हटाएंगे, और ये स्टेज यही होगा कि धीरे धीरे करते हुए हम सारे इसका पॉलीथीन को हटाएंगे और जड़ फिर इसका दिखते जाएगा। तो अभी गर्मी का दिन है दोस्तों, हम पूरी तरह से नहीं हटाएंगे। अगर बरसात का दिन होता तो ये अब सर्वाइव कर गया है, हम इसको हटा देते, लेकिन अभी बहुत गर्म हवा चल रहा है इसलिए हम इसको पूरी तरह से नहीं निकालेंगे। धीरे धीरे एक परत दो परत ऐसा धीरे धीरे करते निकालते जाएंगे, और आने वाला एक दो महीना में तो बारिश चालू हो जाएगी, बरसात का दिन आ जाएगा, तो पूरी तरह से इसको हम निकाल देंगे, फिर आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। तो आगे हम क्या करते हैं आपको लोग को दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो प्रूनिंग का काम आप तभी करें, अब मौसम को देख के ही कीजिएगा। एकदम से हार्ड गर्मी में आप इसका प्रूनिंग न करें। प्रूनिंग करने का भी समय है, मौसम और शाम का समय, हमेशा शाम का समय ही आप प्रूनिंग कीजिएगा 5 बजे के बाद। मौसम देख के आप अगर क्लाइमेट सही, मौसम सही है तो उसके हिसाब से प्रूनिंग कीजिएगा। ठंड में बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठंड में हमेशा ये सुप्त अवस्था में होते हैं, इसलिए ठंड में न कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि हम इसके बड़े बड़े पत्ते को हटा रहे हैं। पत्ते हटाने के बाद इसका ब्रांच पता चलेगा, उसके बाद हम ब्रांच में जाएंगे कि किसको काटना है किसको नहीं काटना है। अभी हम सारे इसके छोटे छोटे पत्ते को हटा दे रहे हैं। जितने बड़े पत्ते हैं सारे बड़े पत्ते को हटाएंगे, छोटे छोटे पत्ते को बस रहने देंगे। बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ था और हमें देख के बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा ग्रोथ किया है ये प्लांट। बोनसाई प्लांट हमेशा हार्डी पौधे ही बनते हैं, तो जब भी आप बोनसाई किसी पौधे का बनाइएगा तो हार्डी पौधा ही लाइएगा, फाइकस प्रजाति का, वो जल्दी बनता है। आप ये देख रहे होंगे कि पत्ते हमने प्रिंट किया है, अब इसका ब्रांच पे फोकस करेंगे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये वाली जो ब्रांच है ये लंबा दिख रहा है ना, यहाँ से हम कट कर देंगे, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से दो ब्रांच और निकलेगा। ये हमने कट कर दिया, यहाँ पे फंगिसाइड लगा देंगे। ये ब्रांच को कट कर देंगे, ये भी कट कर देंगे, ये भी कट कर देंगे, जिससे यहाँ से और पिन शाखा निकलेगा, यहाँ से दो निकल चुका है, ये थोड़ा सा और बड़े होने देते हैं, फिर यहाँ से और निकलेगा, काट ही देते हैं इसको भी, यहाँ से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा काम करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, रूप दे सकते हैं इसको जो भी जैसा। अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि ये वाली कवर को कुछ हटा सकते हैं क्योंकि ये सर्वाइव कर चुका है। अब कटे हुए जगह पे हम फंगिसाइड लगा रहे हैं, अगर आपके पास है तो लगाइएगा, जरूरत नहीं पड़ता है हड्डी पौधे में। तो हम जहाँ जहाँ कटिंग किए थे वहाँ फंगिसाइड लगा दे रहे हैं ताकि वो खराब मत हो। तो फ्रेंड्स, हमने आधा इसका कवर निकाला है यहाँ तक, अभी बाकी है, इतना को हमने निकाला है, और ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है, और ये नीचे से ये अपना पोषण लेते रहेगा,
बहुत ही सुंदर ये दिख रहा है। कुछ रूट अंदर से आया हुआ है यहाँ और अंदर यहाँ घुसा हुआ है। हमने मॉस लगाया था, ये पूरी तरह से अगर संभल जाएगा तब बरसात के दिनों में अब हम पूरा इसका कवर निकालेंगे, जब ये पूरी तरह से सरवाइव कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो और ये हमारा बोनसाई कैसा दिख रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।